नेक्स्ट फाइलम है हमारे पास में, दैट इज इकाइनोडर्मेट, ठीक है जी, या इकाइनोडर्मेटास हम कहते हैं। देखिए अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये आपके पास एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम है, ध्यान दीजिएगा एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम है। देखिए वो एक्सक्लूसिव मरीन इसलिए कहा गया क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द ऑर्गेनिज्म आपके पास में मरीन एनवायरमेंट में रहते हैं, सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो आपके पास में मरीन नहीं है, वो फ्रेश वाटर में आपको मिलती है, जिसको हम सिनेप्टा सिमिलिस के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा सिनेप्टा सिमिलिस जो है वो इस पर्टिकुलर फाइलम की एक एक्सेप्शन है जो मरीन एनवायरमेंट में आपको नजर नहीं आती है। बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, जनरली आपके पास बॉटम पर ही रहते हैं और बहुत ही स्लो मूविंग ये ऑर्गेनिज्म है। बॉडी शेप अगर इनकी देखें तो स्टार लाइक नजर आती है, या सिलिंड्रिकल है, या मेलन लाइक है, डिस्क लाइक है, या फ्लावर लाइक है। मोस्ट कॉमनली स्टार लाइक आपके पास इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की आपको बॉडी शेप नजर आएगी। अनसेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है ये भी, ध्यान दीजिएगा अनसेगमेंटेड है। बाइलेटरली सिमिट्री आपको पर्टिकुलर लार्वा के अंदर नजर आती है, और रेडियल पेंटामरस सिमिट्री आपके पास अडल्ट में नजर आती है। ध्यान दीजिएगा जब हमने सिमिट्री को एक एज एन जनरल फीचर हमने डिस्कस किया था, तो मैंने उस समय भी ये चीज बताई थी कि रेडियल आपके पास में जो सिमिट्री है वो इकाइनोडर्मेट के आपको अडल्ट के अंदर नजर आती है, और लार्वा के अंदर आपको बाइलेटरल सिमिट्री नजर आती है। तो इसका मतलब ये हुआ था कि मैंने ये चीज कही थी कि जो रेडियल सिमिट्री है वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के अंदर नजर आती है, और एज एन इवोल्यूशन के अंदर अगर हम आगे जाएंगे तो हमें बाइलेटरल सिमिट्री नजर आएगी। तो इसका मतलब लार्वा यहां पर ज्यादा बढ़िया इवॉल्व आपके पास ऑर्गेनिज्म है एज कंपेरिजन टू द अडल्ट ऑफ द इकाइनोडर्मेट। यही इकाइनोडर्मेट आपके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है विद द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन इकाइनोडर्मेट में आपको कोई हेड नजर नहीं आता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं ट्यूब फीट, इसको हम पोडिया के नाम से भी जानते हैं, विच कम आउट थ्रू दी रेडियल एरिया दैट इज दी एम्बुलेक्रल दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर दी लोकोमोशन। तो ध्यान दीजिएगा कि लोकोमोशन करने के लिए एग्जैक्टली में इन ऑर्गेनिज्म के पास में ट्यूब फीट है, जिसको हम पोडिया कहते हैं या एम्बुलेक्रल के नाम से जानते हैं, विच इज कमिंग आउट थ्रू दी रेडियल एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। अब होता क्या है, they are extended and retraced by the variation in the hydraulic pressure of the fluid in them, and by contraction of their muscle they are basically showing the locomotion। तो एक बहुत important ये चीज है कि जो hydraulic pressure है आपके पास fluid का in organism की body में, जब वो fluid enter करती है, जिसकी वजह से आपके पास में उस फ्लूड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए उन मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, और उन मसल की कॉन्ट्रैक्शन होने के दौरान में ही ये ऑर्गेनिज्म आपके पास एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आपको मूव होते हुए नजर आते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को हम ट्यूब फीड सिस्टम कहते हैं, या आपके पास एम्बुलेक्रल सिस्टम कहते हैं। एम्बुलेक्रल सिस्टम या ट्यूब फीड सिस्टम आपके पास ये चीज करने में हेल्प करता है, और इसी के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज वाटर वास्कुलर सिस्टम है। वाटर कनाल सिस्टम वर्ड यूज नहीं किया हमने, वाटर वास्कुलर सिस्टम वर्ड यूज की है, जो आपके पास इकाइनोडर्मेट में इन ऑर्गेनिज्म को लोकोमोट करने में हेल्प करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। वो मैंने आपको बता दिया ट्यूब फीट्स है या एम्बुलेक्रल है, जो बेसिकली आपके पास लोकोमोशन में यूज होती है, और यही एम्बुलेक्रल या ट्यूब फीट जब एक्सटेंड करती है, रिट्रेस करती है, तो हाइड्रोलिक प्रेशर जो है फ्लूड का उनके अंदर आपके पास में इकट्ठा होना शुरू होता है, और उसी पर्टिकुलर प्रेशर को रिलीज करने के लिए मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ये ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो स्लो मूवमेंट होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी। बॉडी वॉल जो है इकाइनोडर्मेट की, उसमें आपको क्या क्या नजर आएगा, तो पहली आपके पास सिंगल लेयर सीलिएटेड एपिडर्मिस नजर आती है, उसके नीचे आपको डर्मिस नजर आएगी, जो आपके पास में मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन से आपके पास बनी हुई आपके पास नजर आती है, और ये जो मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन है ये कैल्केरियस प्लेट आपको बनाते हुए नजर आएगी, जिसको बेसिकली हम ऑसिकल का नाम देते हैं। इट बेसिकली हैव दी पर्टिकुलर टेपरिंग रीजन, जिनको हम बेसिकली स्पाइंस कहते हैं। तो एपिडर्मिस के नीचे आपके पास में पर्टिकुलर डर्मिस नजर आ रही है, जो आपके पास एपिडर्मिस से ज्यादा थिकर होती है डर्मिस, क्लियर है जी। उसके बाद उसके नीचे आपको बेसिकली मस्कुलर लेयर नजर आएगी, जिसमें आपके पास स्मूथ मसल्स आपको नजर आती हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट है, जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, माइन्यूट पिंसर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज बीइंग टर्म्ड एज द पेडिसिलेरिया कम्स आउट थ्रू द स्किन, दे कीप बॉडी सरफेस क्लियर ऑफ द डेब्रीज बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग, दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ द थ्री कैल्केरियस प्लेट। देखिए इन ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल बॉटम के ऊपर रहना है, तो बिल्कुल बॉटम के ऊपर रहना है तो सारी जो डेब्रीज होती हैं, गंदी जो भी चीजें होती हैं, बॉटम के ऊपर आपके पास में एक तरह से इकट्ठी होना शुरू करती हैं। तो उस बॉटम पर उन ऑर्गेनिज्म के सरफेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर वो डेब्रीज इकट्ठी ना हो,
और लगातार उनको क्लियर किया जा सके तो पेडिसिलेरियन नाम के पर्टिकुलर आपके पास पिंसर लाइक या माइन्यूट पिंसर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको वहां पर नजर आएंगे जो स्किन से बाहर आपको नजर आते हैं, जो हेल्प करते हैं आपके पास इनकी बॉडी सरफेस को क्लीन करने में बाय क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ दीज पर्टिकुलर पेडिसिलेरिया विच इज मेड अप ऑफ दी थ्री कैल्केरियस प्लेट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलना कि डेब्रीज को ये ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो डेब्रीज को रिमूव करने के लिए पेडिसिलेरिया नाम के स्ट्रक्चर जो इनकी हेल्प करते हैं। चलिएगा, रेस्पिरेशन जो है वो आपके पास गिल्स के थ्रू आपके पास होती हुई नजर आएगी, जिनको हम डर्मल ब्रैंकिए यहां पर कहते हैं या पेपुले कहते हैं। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, डर्मल ब्रैंकिए या आपके पास पेपुले, जो बिल्कुल गिल की तरह ही बिहेव करते हैं और ये मोस्ट ऑफ द इकाइनोडर्मेट्स में आपको यही चीज दिखेगी। क्लियर हो गया जी। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जो स्टार फिशेज है उनके अंदर तो ये डर्मल ब्रैंकिए या पेपुले जो है बेसिकली रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन जो ब्रिटल स्टार होती है उनमें आपके पास जेनिटल बर्से नजर आएंगे। जो सी कुकुम्बर होती है उसमें क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री नजर आएगी। सी अर्चिन के अंदर पेरिस्टोमियल जो गिल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो ट्यूब फीड सिस्टम हमने पहले पढ़ा, वो ट्यूब फीड सिस्टम आपके पास में लोकोमोशन के अलावा रेस्पिरेशन में भी सभी के सभी काइनोडर्मेट में आपके पास में हेल्प करता हुआ नजर आए। इसका मतलब ये हुआ ट्यूब फीड के अलावा रेस्पिरेशन में हेल्प करने के लिए नेचर ने स्टारफिश के अंदर आपके पास डर्मल ब्रैंकिए दिए हुए हैं, मैक्सिमम इकाइनोडर्मेट में भी ये दे रखे हैं, जेनाइटल बर्से बिरेटल स्टार में दे रखे हैं, क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री आपके पास सी कुकुम्बर में दे रखी है, पेरिस्टोमियल गिल्स आपके पास में सी अर्चिन में दियो। ये एक्स्ट्रा आपके पास रेस्पिरेशन करने के लिए इन ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन जो है नेचर ने दे रखे हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपको इनकम्प्लीट मिलती है, लेकिन जो ब्रिटल स्टार है उसके अंदर आपके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम आपके पास रिड्यूस्ड एंड ओपन टाइप की होती है, जिसको हम हेमल सिस्टम के नाम से जानते हैं या पेरिहेमल सिस्टम के नाम से जानते हैं। कोई भी हर्ट आपके पास एज सच में यहां पर या पंपिंग वेसल जो है आपको नजर नहीं आती है। कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम यहां पर नजर नहीं आएगा। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो आपके पास गिल्स या बर्से से या रेस्पिरेटरी ट्री से या ट्यूब फीड से आपके पास डायरेक्टली डिफ्यूज आउट होती हुई नजर आएगी, और इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट आपको नजर आएगी वो मेनली अमोनिया ही है। अब आपके पास में जो अमीबॉइड सेल्स होते हैं इन दी सेल्यूमिक फ्लूड, वो भी आपके पास में एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, ये भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। तो अमीबिक सेल जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक्सक्रीटरी रोल आपको प्ले करते हुए नजर आएंगे, लेकिन एज सच में यहां पर कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको नजर नहीं आती है। फर्टिलाइजेशन आपके पास एक्सटर्नली होगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पॉपुलेशन की कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही है, ये भी आपको ध्यान देना है। लाइफ हिस्ट्री में आपके पास पर्टिकुलरली लार्वल फॉर्म्स आपको नजर आएंगी, मीन बाय इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको यहां पर नजर आती है। तो आपके पास सीलिएटेड बाइलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा जो है आपके पास में फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, जो बेसिकली आपके पास में मेटामॉर्फोसिस के थ्रू आपके पास अडल्ट में कन्वर्ट होगा। जो अब ये ऑर्गेनिज्म ड्यूट्रोस्टोमस है, ड्यूट्रोस्टोमस का मतलब क्या हुआ, इन ऑर्गेनिज्म में एनल डेवलपमेंट पहले हो गई और जो माउथ की डेवलपमेंट है वो आपके पास बाद में होती है। तो ये एक ड्यूट्रोस्टोमस ऑर्गेनिज्म है। अब देखिएगा, यहां पर लार्वल फॉर्म्स के बारे में पूछा जाता है कि इन ऑर्गेनिज्म की कौन कौन सी लार्वल फॉर्म आपको मिलेंगी। तो ध्यान दीजिएगा, स्टारफिश के लार्वा का नाम है बाइपिनेरिया, ब्रिटल स्टार के जो पर्टिकुलर लार्वा है उसका नाम है ओफियोप्लूटस। क्लियर है जी। सी अर्चिन के जो पर्टिकुलर लार्वा का नाम है वो है इकाइनोप्लूटियस। उसके बाद सी कुकुम्बर के जो लार्वा का नाम है ऑरिकुलेरिया, और जो फेदर स्टार है उसके लार्वा का नाम है डोलियोलेरिया। अब ध्यान दीजिएगा, सारे तो याद नहीं होंगे, मेनली मैं हमेशा कहता हूं कि स्टारफिश के लार्वा का नाम याद कर चलिएगा, दैट इज बाई पिनेरिया। तो यहां से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अब देखिए क्या लिखता है, इकाइनोडर्मेट में भी आपके पास रीजनरेशन की पावर होती है। अब देखिएगा यहां क्या लिखता है, दे ब्रेक ऑफ देयर आर्म्स फॉर डिफेंस पर्पस। देखिए कभी भी किसी एनिमी से जब इसको बेसिकली खतरा हो जाता है, तो खतरा होने पर बेसिकली ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपनी आर्म्स को ब्रेक कर देते हैं और वहां से आपके पास में मूव करने की कोशिश करते हैं दूसरे प्लेस के ऊपर। तो एक तरह से वो डिफेंसिव फेनोमेना है इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। अब देखिएगा, जहां से पर्टिकुलर वो आर्म जो है आपके पास में डिटैच होती है, वहां पर बेसिकली टोटिपोटेंट सेल्स मिलते हैं, और वो आपके पास सेल जो है वो वापिस से इस ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं, और इसी फिनोमेना को हम बेसिकली ऑटोटोमी का नाम देते हैं। ऑटोटोमी का मतलब ये हुआ, अपने आप ही इन ऑर्गेनिज्म ने एक पर्टिकुलर आर्म को बॉडी से डिटैच कर लिया फॉर द डिफेंसिव पर्पस। क्लियर हो गया जी। जब भी आपके पास इकाइनोडर्मेट एंग्री हो जाते हैं या फ्राइटन स्टेट में जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको
एक तरह से वॉमिट आउट करने की टेंडेंसी रखते हैं, और इस फिनोमेना को हम बेसिकली एवर्सिशंस के नाम से जानते हैं। तो भूलिएगा मत, एवर्सिशंस के नाम से पर्टिकुलर इस फिनोमेना को जाना जाता है, भूलिएगा मत। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एविसरेशन इज द वर्ड दैट इज रिलेटेड टू द वॉमिटिंग आउट ऑफ द पर्टिकुलर इंटरनल ऑर्गन्स बाय द इंटर्न इकाइनोडर्मेट व्हेन दे आर एंग्री और इन अ फ्राइटन स्टेट। जब भी इनको डर लगता है या ये बेसिकली गुस्सा दिखाते हैं, तो गुस्सा दिखाने का या डर का एक तरीका है इनकी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर, दैट इज दे आर वॉमिटिंग आउट द पर्टिकुलर विसरल दैट इज द इंटरनल ऑर्गन, एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज बीइंग टर्म्ड एज द एविसरेशन। क्लियर हो गया जी? तो ये सारी चीजें आपको इकाइनोडर्मेस से इंपॉर्टेंट है।